हाथी के समान दिखने वाला मैमथ एक ऐसा जीव था जो इस दुनिया से विलुप्त हो गया है। मैमथ साइबेरिया के बर्फीले प्रदेश में बर्फ में दबे एक हाथी का नाम है जो विलुप्त हो चुका है, परंतु बर्फ के कारण जिसका संपूर्ण शरीर आज भी सुरक्षित मिला है। आकार में मैमथ वर्तमान हाथियों के ही बराबर होते थे, परंतु कई गुणों में उनसे भिन्न भी थे। मैमथ का शरीर कई स्थानों पर जमीन तक लंबे बालों से ढका था। खोपड़ी छोटी और ऊंची, कान छोटे तथा मैमथ दंत अत्यधिक लंबे, करीब 14 फीट तक होते थे। साइबेरिया में मई 2007 में वैज्ञानिकों को लुप्त हो चुके मैमथ के बच्चे का शव मिला। यहाँ की ठंडी हवाओं ने उसे इतना बचा कर रखा था कि वैज्ञानिकों की कल्पनाओं के पर उगने लगे। उन्होंने सोचा कि उसकी कोशिकाओं की आनुवंशिक सामग्री को आधार बनाकर क्यों ना लुप्त हो चुके मैमथ को फिर से जिंदा किया जाए। मैमथ के अब तक 39 शव मिले हैं, इनमें से 4 लगभग साबुत मिले हैं। वैज्ञानिक मैमथ का लगभग 70% डीएनए सही जोड़ने में सफल हो चुके हैं। भारतीय हाथी की आनुवंशिक दृष्टि से मैमथ के सबसे ज़्यादा निकटता है। दूसरे शब्दों में विलुप्त हो चुके मैमथ के अवशेषों से ली गई आनुवंशिक सामग्री को आज के भारतीय हाथी की आनुवंशिक सामग्री से मिलाने पर शायद मैमथ को फिर से बनाया जा सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।